of 4 pi, the first is 3 pi. This is made by variation in the beating up mechanism. कैसे होगा इसको देखना, मैकेनिज्म एंड असेंशियल रिक्वायरमेंट। मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो मैच करेंगे। वी आर डिस्कसिंग मैकेनिज्म, देन वी आर आल्सो डिस्कसिंग द रिक्वायरमेंट्स आल्सो। ठीक है, जैसे शेडिंग, टिकिंग, बीट अप, इफ वी आर डिस्कसिंग दे आर असेंशियल फॉर गिविंग, तो सिमिलरली देर आर सर्टेन असेंशियल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इज दिस इज डन ऑन 3 पिक्स, differential beat up, there is difference in beat up mechanism due to which it is produced. Two beams will be there, one for ground normal beaming, warp wise, because it is warp wise, so warp wise there will be two beams, and second will be beam for pile. This is heavily tensioned, and this is loosely tensioned. Heavily tensioned, when we say, means that the particular valves will remain straight. Loosely tensioned means if there is some pressure applied, they will move, beam will move and will absorb the particular tension. ये दोनों difference हो गए। Now how it is done on 3 picks? Third thing is beaming. How it is done on the fell of the load. First beat up is done, second is done, and when third is done, it is fast beat up. This is loose beat up, this is again loose beat up, and this is fast beat up. Fast beat up means it reaches to the fell of the groove. Here yes. Beat up to ye yahan banega na shed to. This is the fell of the fabric. This is the fell of the fabric. There is some gap. This is the fell of the fabric. And then this is the fabric. Loose beat up, loose beat up, and fast beat up. First, second, and third. First beat up में क्या होगा? दो में divide करना। ये है ground fabric, ये है pile. ग्राउंड की बीमिंग है, ये पाइल की बीमिंग होगी। ठीक है, और ये ग्राउंड और पाइल की हम इकट्ठी कर देंगे। ग्राउंड, सेकंड ग्राउंड, ग्राउंड, पाइल, सेकेंड पाइल एंड फाइनल पाइल।
पाइल में क्या करना है, पाइल हाउ इट इज मेड, यहाँ पर हो गया लूज बीटअप, रुक गया, दिस इज फेल ऑफ द क्लोथ, ठीक है, दिस इज द वेफ्ट, ये यहाँ रुक गया, इस वेफ्ट को आगे खींचोगे तो अगर पीछे से बार साथ में खींच के आ जाता है, बार शीट, तो क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है ये क्या होगी, लूप बना दे, और अगर खींच के नहीं आता तो ये स्लाइड करेंगे, स्लाइड कब करेंगे और ये पुल कब होगा, ये डिफरेंस है, पुल जब होगा एक तो यहाँ लॉक हो जाए, यहाँ यार्न लॉक हो जाए पीछे की तरफ से, लॉक हो गया, इफ यार्न इज लॉक्ड हियर तो पीछे से तो नहीं खींचेगा, नहीं आएगा ना, देन इधर पुश कर रहे हो पीछे से, टेंशन कम होनी चाहिए, फटाफट बीम शुड ओपन, बीम शुड ओपन, क्लियर, तो पाइल विल बी मेड, ये पाइल का तरीका है, एंड ग्राउंड बीम इट शुड बी सच दैट दीज बार शुड स्लाइड, अब देखो एक चीज को, लेट अस से दिस इज वार पर वेफ्ट, ऐसे वेफ्ट हो गया, ये ऐसे हो गया वेफ्ट, इस पर एक सर्कल दो और ऐसे पुल करोगे, हो जाएगा ना धागा पुल इधर से पीछे से, फिर इस पर कितने दो सर्कल दो, फिर पुल करोगे, पुल होगा नहीं होगा ना, लॉकिंग कितनी बार होगी इसमें, दो बार, और एक बार में पुल हो रहा है, तो पुल करना है यानी इसको अगर आगे चलाना है, जिस शीट में से आगे चलाना है, ग्राउंड में आगे चलाना है, ग्राउंड का नहीं बनाना, तो उसमें एक लॉक हो गया, लीविंग तो करोगे मिनिमम, एक लॉकिंग तो हो गई, और जिसमें नहीं चलाना उसमें तीन की च्वाइस है, तो तीन में दो बार लॉकिंग कर दी, तो ये पीछे से नहीं खींचेगा, इसको देखो, अप और डाउन, टू अप वन डाउन, कितनी बार चेंज हुआ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, एक वन, ब्लू कलर को देखो, अप और डाउन, एक बार हुआ ना, एक सर्कल हुआ ना, डाउन अप, तीन पिक्स में एक ही बार हुआ, वेन एवर यू विल पुल वो पुल हो जाएगा, ब्लैक को देखो, अप डाउन और अप, कितनी बार हो गया, यहाँ एक हो गया, अप से डाउन और यहाँ डाउन से दो बार हो गया, दो सर्कल मान लो, तो दो सर्कल में पुल मजबूत हो गया, यहाँ मजबूत हो गया, पीछे की तरफ नहीं जाएगा, तो ये यों का यों यहाँ से और यहाँ तक का जो मटेरियल है वो यहीं रह जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा ना, यहीं रह जाएगा, तो ये इसको पुश करेगा, और पीछे से अगर बीम खुल जाता है तो क्या होगा, ये वाली चीज यहाँ से जो यहाँ तक थी, ये यहाँ से यहाँ तक थी, क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, ये यहाँ पे लॉक हो गया ना, फिर से ये हो रहा है, देखो ये लॉक हो गया, मैं पास करता हूँ, यहाँ फेल ऑफ दी ग्रोथ है, होगी लॉकिंग, अब थोड़ा सा दिख रहा है, और पास करूँ बिल्कुल लॉकिंग हो जाएगी, ये लॉकिंग हो गई, अब इसको पुश करोगे तो ये इसमें से स्लाइड करने के चांस कम है, तो ये इसके आगे जाएगा, पीछे से बीम अगर खुल जाए तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, यहाँ से देखो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और तो ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर है ना, ये ऊपर है, ये और ये ऊपर शिफ्ट होगा ना, ऊपर है तो नीचे होता तो नीचे आ जाता, ये ऐसे हो जाएगा, हो गया, हो गया, यहाँ से जो पुल किया, नीचे होना है, नीचे करना है, तो इसको नीचे ले लो, नीचे से ऊपर से ये यहाँ है, एंड व्हेन यू पुल, ये दो हो गया लॉक, पीछे से बीम खुल रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से यहाँ नीचे, ये बन गया फेस साइड में लूप, ऊपर ये बैक साइड में लूप,
सो इफ यू वॉन्ट टू मेक अ फेस लूप तो फर्स्ट अप कर दोगे, अप डाउन अप, क्या आया? अप डाउन अप, अप डाउन अप, अप डाउन अप, दो इंटरसेक्शन हो गए ना, एक ये और एक ये, ये किसका मूवमेंट हो गया? बैक पाइल का, नीचे देखो लास्ट में डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, फिक्स हो गया ये मूवमेंट। और ग्राउंड वीव का क्या है? टू अप वन डाउन, देखो पहले टू अप वन डाउन, टू अप ठीक है, वार ट्रिप नेक्स्ट इससे अपोजिट हो जाएगा, दिस मींस प्लेन वीव, सेकंड एंड इज अपोजिट टू फर्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? टू डाउन वन अप। अब कितने क्रॉस सेक्शन हुए? एक ही हुआ ना, इसको यो भी ले सकते हो और दो ही ले सकते हो, टू अप वन डाउन वन अप टू डाउन इन केस ऑफ थ्री, तो यहाँ टू अप वन डाउन है, नेक्स्ट वन अप टू डाउन है, तो ये है उल्टा सीधा कैसे करो, बट क्रॉस सेक्शन इज वन, यहाँ से यहाँ क्रॉस एक ही बार कर रहा है, एक ही सर्कल है, एक सर्कल में पुल हो जाएगा, वैसे तो हाफ है इसमें, तो इन दिस केस पर एक और दो को लेते हैं, हाफ एंड वन एंड हाफ हो गया हमारे केस में, दिस इज वन एंड हाफ, ऊपर गया नीचे है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई ये वाला पोर्शन रह गया वन एंड हाफ, क्लियर? यहाँ से हो गया और यहाँ से देखो कितना हो गया, हाफ फुल हाफ वन एंड हाफ हो गया, इस केस में हाफ ही हुआ, नीचे जा रहे और ये यहाँ आ गया, चलो वन हुआ हाफ हुआ, इतना टू नहीं है, बट बेसिकली ग्राउंड वेव विल हैव वंस अप एंड डाउन इन थ्री, तो इट विल बी टू अप वन डाउन और वन अप, फेस पाइल और बैक पाइल विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस, तीन में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? दो, फोर में यू कैन हैव थ्री, फाइव यू कैन हैव फोर, मैक्सिमम टू है, इसको टू करने के लिए थ्री पे गया, हो गया टू, ये इजी कर दिया, पाइल बीम इज लूजली टेंशन, हो गया ये वाला, एंड ग्राउंड बीम इज हैवीली टेंशन, फिक्स मिनिमम इज थ्री, पाइल इज मेड ऑन थ्री, बाकी नॉर्मल बीमिंग कर लो, हो गया बीट अप डिफरेंशियल, हीट अप कैसा हो गया, लूज लूज फास्ट, फिक्स है ये, जितना ये गैप दोगे उतना ज्यादा पाइल अप और डाउन हो जाएगा, तो हीट अप ये हो गया, और फेस भी पाइल भी क्या आ गई, हो गई बैक पाइल भी क्या आ गई, हो गया ग्राउंड वीव क्या है, हो गई, तो दीज आर ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू मेक अ पाइल कैरी पाइल, वी नीड दीज थिंग्स, व्हाट वी नीड इज थ्री पिक्स, ठीक है, बीट अप विल बी लूज लूज फास्ट, वीविंग विल बी इन केस ऑफ फेस वीव वन अप वन डाउन वन अप, बैक वीव वन डाउन वन अप वन डाउन, बैक वीव नहीं लेनी तो वो नहीं डलेगी बस, बट इफ इट इज बैक वीव यही आएगी, देन ग्राउंड वीव इज टू अप वन डाउन रिप, हो गया, टू बीम्स आर देयर, वार बीम्स वीवर्स बीम जिसे कहोगे, वन इज लूजली टेंशन दैट इज फॉर द पाइल, पाइल बनाना तो लूजली टेंशन, एंड अनदर इज हैवीली टेंशन दैट इज फॉर द ग्राउंड फैब्रिक, दीज आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द मैकेनिज्म। अब दो चीजें हैं, इफ वी वांट, मान लो सिक्स पिक्स हैं, तो सिक्स पिक पे क्या बनेंगे, सिक्स पिक्स पे कितने पाइल बनेंगे, दो, दो बन जाएंगे ना, थ्री प्लस थ्री, अगर इसे हमें कम करना है हाफ यानी वन करना है तो क्या करेंगे हम, तीन पे तो यही पाइल स्ट्रक्चर रहेगा, नेक्स्ट थ्री पे सिंपल प्लेन वीव रहेगी, क्या रहेगी, सिंपल प्लेन वीव, वो फास्ट बीट अप नॉर्मल वीविंग नॉर्मल सब कुछ नेक्स्ट पे रहेगा, तो डेंसिटी विल बी हाफ, तो बताओ चलो फेस वीव क्या है, वन अप वन डाउन वन अप,
इसके बाद मर्जी है, वन डाउन वन अप वन डाउन, प्लेन वीव लेनी है। इसके बाद में नॉर्मल वीव लेनी है, बैक वीव लेनी है उसको छोड़ देते हैं बाद में ले लेंगे। टू अप वन डाउन, वन डाउन फिर उसकी प्लेन हो गया, टू डाउन वन अप, दिस इज नॉर्मल वीव। ये कितने हुए, ऑन सिक्स देर इज वन लूप, अगर थ्री पिक पे लेना है तो दो लूप हो जाएंगे डबल, वो कैसे होगा? अप डाउन अप, इस पे अप हो गया ना, डाउन अप डाउन, सिर्फ वो वाला होने वाला। ये अगर ये यहाँ से निकल गया आ रहा था, यहाँ से निकल गया है नहीं आएगा, ये वहम हो गया तुम्हारा, इमेजिनेशन की होती है कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं है भाई ठीक ही हो इमेजिनेशन, और ठीक क्वेश्चन पूछा बट वो ऐसा है नहीं है, ऐसे ही है। अप टू अप वन डाउन, टू अप वन डाउन, टू डाउन वन अप, टू डाउन वन अप। अब इसको तोड़ के देखो सब समझ में आ जाएगा, तीन के बाद में ब्रेक इट, देखो ये जा रहे आप जैसे अब जा रहे हैं ना, इसको काट दो ना, ये अब जा रहा है, ये अब जा रहा है, थोड़ा आगे से अब जा रहा है, जा रहा है ना। अब देखो इसको, ये बाद में ये जा रहा है, ये तीन के बाद में ये अब जा रहा है, ये चलो यहाँ की वजह यहाँ से चला जाएगा, वो वहाँ से जा रहा है क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट नहीं है, ये और ये मैच नहीं कर रहे तीन के बाद फोर्थ पे, ये अप डाउन अप अप डाउन अप, ये फिर ज्वाइन कर दिया। अब इसमें क्या है, ऑन सिक्स पिक्स देयर आर टू लूप्स, ऑन इन दिस केस ऑन सिक्स पिक्स देयर इज वन लूप, इसमें डेंसिटी कम हो गई, कहीं देखे ना टॉवल्स उसमें काफी कम होता है, बाकी कहीं भरे हो जाते हैं, भरे वाला ये हो गया और ये खाली घर होता है, ये हो, इसे लैंग्वेज में लिख दोगे तो दिस इज मैकेनिज्म।